नई आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश करने वाले मामले में दिल्ली में शराब बेचने वाले दुकानदारों में भी खलबली मचा दी है। शराब कारोबारियों का कहना है कि फिलहाल इससे उनकी बियर और शराब के अन्य ब्रांड पर दी जा रही छूट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वे इस मामले को ध्यान में रखते हुए अब अधिक शराब स्टॉक नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मांग के अनुरूप शराब और बियर नहीं खरीदी जाएगी, स्टॉक मेंटेन किया जाएगा लेकिन संभल कर। इस मामले में शराब दुकानदारों का कहना है कि ग्राहकों को अभी भी शराब और बियर वैसे ही मिलेगी जैसे अभी तक मिलती आ रही है। आने वाले समय में नियमों में कुछ बदलाव किए गए या फिर कोई नया आदेश आया तो फिर उसी हिसाब से शराब की बिक्री होगी, लेकिन ग्राहकों को अभी पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, उनके पास शराब का पर्याप्त स्टॉक है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में शराब की कुछ और भी दुकानें बंद हो सकती हैं। इसका कारण लगातार कुछ दुकानदारों को हो रहा मोटा घाटा बताया जा रहा है, जिसकी भरपाई ना होने के चलते कुछ और दुकानें बंद हो सकती हैं। फिलहाल दिल्ली में शराब की करीब 400 दुकानें खुली हैं। नई एक्साइज पॉलिसी में कथित तौर पर गंभीर अनियमितताओं और गड़बड़ी के आरोपी की जांच के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। एलजी ने ये सिफारिश चीफ सेक्रेटरी की उस रिपोर्ट के आधार पर की है जो कि 8 जुलाई को भेजी गई थी। इस घटनाक्रम के बाद दिल्ली सरकार और एलजी के रिश्तों में तल्खी और बढ़ने की आशंका है। सूत्रों के मुताबिक सीएम हर शुक्रवार को राजनिवासी में एलजी के साथ होने वाली वीकली मीटिंग में भी इस बार शामिल नहीं हुए। इसके पीछे उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।